गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम जो ये पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, ये में जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, रिट है, पटवार भर्ती है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, और कॉलेज लेक्चरर, नेट और जेआरएफ, इन सभी कंपटीशन एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए बना रहा हूँ। क्योंकि मेरे को मैं 2007 से लगातार कंपटीशन जो एग्ज़ाम है वो दे रहा हूँ, और उसी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसी के अनुरूप मैं जो मेरी क्लास है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरा यही रहता है कि जो क्वेश्चन है वो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी है उसके क्वेश्चन है वो सही होना चाहिए, मेरा यही रहता है। तो जो भी मेरा यूट्यूब का साथी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो इन वीडियो को, जितने भी भारत का संविधान से संबंधित मेरे वीडियो आए उनको ज़्यादा से ज़्यादा देख ले। आज हमारी ये बीए सेकंड ईयर की जो बुक है पॉलिटिकल साइंस, ये पढ़ रहे हैं भारतीय राजव्यवस्था, इसमें हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हम कल प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद इसका भाग फर्स्ट पढ़ा था, आज हम मंत्रिपरिषद इसका भाग सेकंड पढ़ेंगे। कल मैंने बताया था आपको क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 78, ये तीन अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें मंत्रिपरिषद इसका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। और अनुच्छेद 74 में बताया था आपको एक प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद हो, अनुच्छेद 74 है इसमें राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है इसमें सहायता के लिए क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद जो 75 है इसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, और अनुच्छेद 78 है इसमें प्रधानमंत्री है, ये राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद इनके बीच में क्या है, कड़ी का कार्य करता है। इसमें हम जो अनुच्छेद 75 कल पढ़ रहे थे, अनुच्छेद 75 में हमने अनुच्छेद 75(1) में प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति है जो राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 75(1) कह जिसको इकरण में हुए संविधान संशोधन द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी के समय जोड़ा गया था, जिसमें मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या है इसको निश्चित किया गया। और अनुच्छेद 75(2) में हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री और मंत्रियों का कार्यकाल। अब आज हम अनुच्छेद 75(3) पढ़ेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। आज हम भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 75(3) है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम दो अनुच्छेद 75(1) में क्या था, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अनुच्छेद 75(1) के 91वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया जिसमें मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या, और अनुच्छेद जो 75(2) है उसमें कार्यकाल। आज अनुच्छेद 75(3) है इसमें है सामूहिक उत्तरदायित्व है, क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व है। तो अनुच्छेद 75(3) में है सामूहिक उत्तरदायित्व है, अनुच्छेद जो 75(3) है इसमें क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व है। मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति। इस बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ जाए कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो किसके प्रति होती है, सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, किसके प्रति होती है, लोकसभा के प्रति होती है। अनुच्छेद 75(3) में सामूहिक उत्तरदायित्व है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और मंत्रिपरिषद दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, किसके प्रति, लोकसभा के प्रति, और मंत्री क्वेश्चन पूछ ले कि मंत्री है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो किसके प्रति होता है, राष्ट्रपति के। दोनों ही क्वेश्चन है वो बार बार आए हुए हैं कंपटीशन एग्जाम में, तो ध्यान रखना है। मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, और जो मंत्री होता है वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होता है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 75(2) में हमने पढ़ा था, अनुच्छेद 75(2) में जब हमने पढ़ा था मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, तो हमने पढ़ाया था कि मंत्रिपरिषद है वो मंत्रिपरिषद जो रूपी जहाज है
एक साथ ही तैरता है और एक साथ ही क्या होता है, डूबता है। तो इसमें ध्यान रखना, अनुच्छेद 75(3) में सामूहिक उत्तरदायित्व है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, और वही बात एक मंत्री की आ जाए तो वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 75(4) अनुच्छेद 75(4) इसमें है पद की शपथ, पद की शपथ, ये शपथ किस बात की लेते हैं और इन्हें शपथ कौन दिलाता है। अनुच्छेद 75(4) में क्या है, पद की शपथ है और प्रधानमंत्री और मंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। ये पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं और इनको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। और इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 75(4) में है कि पद की शपथ तो प्रधानमंत्री और मंत्री है, इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, और ये शपथ किसी बात की लेते हैं, पद व गोपनीयता की, इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 75(5) और इसमें है कोई भी व्यक्ति बिना संसद के सदस्य, ये क्वेश्चन भी विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है। अनुच्छेद 75(4) में कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य मंत्री बन सकता है, कोई भी व्यक्ति बिना संसद के किसी सदन का सदस्य रहते हुए, मतलब संसद के जो दो सदन है लोकसभा और राज्यसभा, कहने का मतलब अगर संसद का सदस्य नहीं है फिर भी प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है, क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री व मंत्री, कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है फिर भी प्रधानमंत्री या मंत्री क्या कर सकता है, बन सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। परंतु शपथ ग्रहण की तिथि से, परंतु शपथ ग्रहण की तिथि से, शपथ ग्रहण की तिथि से 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन का या सदस्य बन जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद जो 75(5) है इसमें क्या है, 75(5) है इसमें है कोई भी व्यक्ति, अनुच्छेद 75(5) में कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य हुए बिना भी प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है, परंतु शर्त यह है कि 6 माह के अंदर अंदर प्रधानमंत्री या मंत्री पद की उसने शपथ ग्रहण की है, उस दिन से लेकर 6 माह के भीतर भीतर वह संसद के किसी भी सदन का क्या होना चाहिए, सदस्य हो जाना चाहिए, नहीं तो उसके बाद वो नहीं रह सकता। कहने का मतलब ये है, कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है बिना संसद का सदस्य हुए, कितने दिनों तक, 6 माह तक। अगर आगे उसको रहना है तो 6 माह के अंदर अंदर उसे क्या लेनी पड़ेगी, सदन के किसी भी जो लोकसभा या राज्यसभा है उसकी सदस्यता वो क्या करनी पड़ेगी, ग्रहण करनी पड़ेगी। एक बार ये AR-54 बनाम पंजाब वाद, AR-54 बनाम पंजाबवाद, इस बात को लेकर कि कोई व्यक्ति है वो संसद का सदस्य नहीं है फिर भी प्रधानमंत्री या मंत्री उसको बार बार बनाया जा सकता है क्या, तो AR-54 बनाम पंजाबवाद कब हुआ था, ये 2001 में, कब का वाद है, 2001 का, AR-54 बनाम पंजाबवाद 2001 के तहत एक व्यक्ति को बिना सदन की सदस्यता के बार बार मंत्री नहीं बनाया जा सकता, बार बार मंत्री नहीं बनाया जा सकता। अनुच्छेद 75 में कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है फिर भी वो प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है, परंतु शर्त यह है जिस तिथि को वो शपथ ग्रहण करता है उसके 6 माह के भीतर भीतर वह संसद का सदस्य होना चाहिए। और इसका जो कोर्ट जो न्यायालय का फैसला आया था AR-54 बनाम पंजाब वाद 2001 में, इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति है इसको बार बार मंत्री है वो
बिना सदन की सदस्यता के बार बार मंत्री नहीं बनाया जा सकता। तो वर्तमान समय में व्यवस्था यही है कि कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य सिर्फ 6 माह तक क्या रह सकता है, प्रधानमंत्री या मंत्री रह सकता है। उसके बाद में उसको क्या करनी पड़ेगी, संसद की सदस्यता है वो ग्रहण करनी पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखना है। और जो 17वीं लोकसभा जिसके चुनाव है वो 2019 में हुए थे 7 चरणों में, तो उस समय जब मंत्री जो मंडल है इसका गठन हुआ था, उस समय 2 व्यक्ति सुब्रणियम जयशंकर एस जयशंकर जो वर्तमान समय में भारत के क्या है विदेश मंत्री है, क्या है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, सुब्रणियम जयशंकर जो वर्तमान समय में भारत के विदेश मंत्री है, और रामविलास पासवान जो वर्तमान में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण जो विभाग है इसके क्या है मंत्री है। ये 2 व्यक्ति ऐसे थे जो उस समय क्या नहीं थे, संसद के सदस्य नहीं थे, ये संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, फिर भी इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो इनको शपथ दिलाई थी। वर्तमान में एस जयशंकर है, ये गुजरात से इन्होंने राज्यसभा की सदस्यता है वो क्या कर ली है, हासिल कर ली है। और रामविलास पासवान इन्होंने कहाँ से, बिहार से निर्विरोध इनको राज्यसभा सदस्य चुना गया है, तो ले सकता है। और 17वीं लोकसभा में 2 ऐसे व्यक्ति है जिनको मंत्री बनाया गया जो संसद के सदस्य नहीं थे, परंतु वर्तमान में दोनों ने ही राज्यसभा की सदस्यता है वो ग्रहण कर ली है या राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं। एस जयशंकर जो विदेश मंत्री है ये गुजरात से, और रामविलास पासवान है खाद्य और सार्वजनिक जो मामले है वितरण विभाग है इसके मंत्री है, और ये कहाँ से, बिहार से, इनकी पार्टी लोजपा लोक जन शक्ति पार्टी है इनकी। इन बातों का ध्यान रखना है। तो ये अनुच्छेद 75 है, इसमें आपके पूरे जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे, इन बातों का ध्यान रखना है। अब अनुच्छेद 75 जो 6 है, अनुच्छेद 75(6) है, इसमें है मंत्री व प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते हैं। मंत्री व प्रधानमंत्री के क्या है, वेतन व भत्ते हैं, कि किसी सांसद को 50,000 रुपये मिलते हैं और उसके बाद में उसके दैनिक भत्ते भी है, तो इस प्रकार है ध्यान रखना है। अनुच्छेद 75(6) में प्रधानमंत्री और जो मंत्री परिषद है इनके वेतन भत्ते, इनका निर्धारण है वो भारत की जो संचित निधि है अनुच्छेद 266 में है। संचित निधि जो अनुच्छेद 266 में है उसके द्वारा क्या किया जाता है, निर्धारित है वो किया जाता है। प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री है वो क्या होता है, मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है, और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होने के कारण इसकी बैठक बुलाता है। मंत्रिपरिषद की बैठक कौन बुलाता है, प्रधानमंत्री बुलाता है, अध्यक्षता करता है। मंत्रियों में अगर कोई विवाद है तो विवादों का निपटारा करता है। मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है कि भाई आप त्याग पत्र दे दो, अगर किसी मंत्री है उनको लग जाए इसके योग्य नहीं है या कोई अगर ऐसा ही वो काम कर दे तो मंत्री को त्याग पत्र के लिए कह सकता है। नहीं देने से अगर मंत्री को त्याग पत्र के लिए कह सकता है, अगर नहीं दे तो राष्ट्रपति से क्या कर सकता है, सिफारिश कर सकता है, और उस मंत्री को क्या कर सकता है, राष्ट्रपति से बर्खास्त करवा सकता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता वह बहुमत दल का नेता भी होता है, विदेश नीति का निर्धारण करता और निर्माण करता होता है, देश नीति का निर्माण करता होता है। ये नीति आयोग, पहले यहाँ पर क्या था, योजना आयोग जिसकी स्थापना हुई थी मार्च 1950 में, अब वर्तमान समय वहाँ पे क्या, नीति आयोग जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी। नीति आयोग है, इसका अध्यक्ष होता है राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC जिसकी स्थापना हुई थी
अगस्त 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का इसका अध्यक्ष होता है। अंतर्राज्य परिषद व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, अंतर्राज्य परिषद व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का भी ये क्या होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। अंतर्राज्य परिषद है, इसका अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्य परिषद है, इसका गठन किया गया था और इसका भी प्रधानमंत्री और पदेन अध्यक्ष होता है। और इसकी वीपी सिंह के टाइम 1990 में अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया था अनुच्छेद 263 के तहत, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद में इन्होंने अंतर्राज्य परिषद है इसका वापस क्या किया, पुनर्गठन किया। तो इन बातों का ध्यान रखना है। ये बातें तो अनुच्छेद 75 की है। अनुच्छेद 75 एक में हमने पढ़ा था, अनुच्छेद 75 में बहुत सारी बातें हैं। 75 में पढ़ा था हमने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, 75 एक में पढ़ा था। अनुच्छेद 75 में क्या पढ़ा था, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है इसका उल्लेख है। 75 एक में इनकी नियुक्ति से संबंधित है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है इसकी नियुक्ति है और राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 75 एक कह ये 91 संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 75 दो में कार्यकाल है। अनुच्छेद 75 तीन में सामूहिक उत्तरदायित्व है, मंत्री है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति है, राष्ट्रपति के रूप प्रति। अनुच्छेद 75 चार में क्या है, पद की शपथ और शपथ कौन लेता है, राष्ट्रपति लेता है, पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 75 पाँच में व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वो भी प्रधानमंत्री और मंत्री बन सकता है, परंतु उसको 6 माह के भीतर भीतर संसद की किसी भी सदन की क्या करनी पड़ेगी, सदस्य वो बनना पड़ेगा। और ये बताया, मैंने आपको बताया था ए आर चौहान बनाम पंजाब वाद 2001 में निर्णय आया कि किसी भी व्यक्ति को जो संसद का सदस्य नहीं है उसको बार बार प्रधानमंत्री या मंत्री, बार बार उसको मंत्री नहीं बनाया जा सकता। तो वर्तमान में ऐसी व्यवस्था है, किसी भी व्यक्ति को अगर एक बार बना दिया तो उसको 6 माह के भीतर संसद की सदस्यता है वो ग्रहण करनी पड़ेगी, अगर वो संसद सदस्य नहीं बन पाएगा तो मंत्री नहीं रह सकता। और जो हमने पढ़ा था 17वीं लोकसभा में दो व्यक्ति ऐसे थे, सुब्रमण्यम जयशंकर जो वर्तमान में भारतीय विदेश मंत्री है वो संसद के सदस्य नहीं थे और उसको विदेश मंत्री डिपार्टमेंट दिया गया था, मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी, बाद में वो गुजरात से राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। रामविलास पासवान ये भी जब मंत्री पद की शपथ ली थी उस समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, परंतु बाद में वो बिहार से निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। इन बातों का ध्यान रखना। अनुच्छेद 75 छः में वेतन और भत्ते हैं, ये संसद निधि से जो अनुच्छेद 266 में निर्धारित किया जाता है कि इनको कितने वेतन और भत्ते मिलेंगे। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, इनकी बैठक के बुलाता है, ये देश की विदेश नीति और भारत की जो इनका निर्माणकर्ता होता है, ये नीति आयोग जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015, राष्ट्रीय विकास परिषद जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को, और अंतर्राज्य परिषद जो 1990 में गठन किया गया था अनुच्छेद 263 के तहत, और राष्ट्रीय सुरक्षा जो है इसका क्या होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। इन बातों का ध्यान रखना है। अब अपन अनुच्छेद जो 78 है इसकी चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 78 में क्या है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी का कार्य करेगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी का कार्य करेगा, कड़ी का कार्य करेगा। अनुच्छेद 78 में यह बात लिखी है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वह मंत्रिपरिषद के मध्य क्या करता है, कड़ी का कार्य करता है। अनुच्छेद 78 में पूछ ले तो अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वह मंत्रिपरिषद के मध्य क्या करेगा, कड़ी का कार्य करेगा। अनुच्छेद 78 एक में या क में ये बात लिखी हुई है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह संघ के क्रियाकलाप, प्रशासन व विधायी संबंधी जानकारी राष्ट्रपति को देगा।
प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि प्रधानमंत्री की ड्यूटी है कि वह संघ के क्रियाकलाप प्रशासन व विधायी संबंधी जो भी जानकारी है वो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी के कार्य है। राष्ट्रपति की बात प्रधानमंत्री परिषद को और मंत्रिपरिषद की बात किसके पास पहुंचेगा? राष्ट्रपति के पास। तो अनुच्छेद 78(1) कैम है, ये ड्यूटी है प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य है कि वो देश में होने वाले जितने भी संघ के क्रियाकलाप प्रशासन व विधायी संबंधी जो भी जानकारी वो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। तो अनुच्छेद 78(2) है, इसमें ये बात लिखी हुई है कि संघ के क्रियाकलाप व विधायी कार्यों के बारे में राष्ट्रपति के अपेक्षित किए जाने पर प्रधानमंत्री जानकारी देगा। इसमें वही बात है कि संघ के जो क्रियाकलाप है प्रशासन है विधायी संबंधी अगर राष्ट्रपति जानकारी मांगे तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को क्या देगा? जानकारी देगा। बात यही है अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद इसके मध्य कड़ी का कार्य करता है। तो अनुच्छेद 78 कैम है, ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि ये संघ के जितने भी क्रियाकलाप है प्रशासन है विधायी संबंधी जानकारी राष्ट्रपति को देगा, ये कर्तव्य है। तो अनुच्छेद 78 है या 2 में ये बात लिखी हुई कि प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रपति अपेक्षित राष्ट्रपति चाहे कि मेरे को इस चीज की क्या चाहिए? जानकारी चाहिए, तो प्रधानमंत्री उसे क्या देगा? जानकारी देगा। यहां पर तो अपने आप ही देना है, ये कर्तव्य प्रधानमंत्री का। और यहां पर अनुच्छेद 78(2) में प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति अगर कोई सी चीज की जानकारी चाहिए, चाहे वह संघ के क्रियाकलाप हो प्रशासन हो विधायी संबंधी हो, तो उसको जानकारी उपलब्ध कराएगा, इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 78(ग) या अनुच्छेद 78(3) इसमें लिखा हुआ है कि यदि किसी अकेले मंत्री ने किसी मामले पर निर्णय ले लिया है तो राष्ट्रपति के चाहे जाने पर प्रधानमंत्री उसे संपूर्ण मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाएगा। अगर किसी अकेले मंत्री ने निर्णय ले लिया है और राष्ट्रपति ये अपेक्षा करता है कि वो संपूर्ण जो मंत्रिपरिषद है उसका इस संबंध में क्या राय है, तो इस बात का है वो क्या करेगा? संपूर्ण मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाएगा, इन बातों का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी का कार्य करता है। अनुच्छेद 78(1) में प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है, प्रधानमंत्री की ये ड्यूटी बनती है कि संघ के जितने भी क्रियाकलाप है प्रशासन है विधायी संबंधी जो जानकारी है सारी किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। तो अनुच्छेद 78(2) में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अगर प्रधानमंत्री से संघ के क्रियाकलाप प्रशासन विधायी संबंधी जानकारी की अपेक्षा करता है या जानकारी की मांग करता है तो प्रधानमंत्री क्या देगा? राष्ट्रपति जी को जानकारी देगा। तो अनुच्छेद 78(3) में लिखा हुआ है कि अगर किसी अकेले मंत्री ने किसी बात पर निर्णय ले लिया है और राष्ट्रपति ये चाहे कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद है इसका क्या निर्णय है, तो प्रधानमंत्री उस बात को क्या कहेगा? संपूर्ण मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाएगा, इन बातों का ध्यान रखना है। ये बातें अनुच्छेद 78 में है, इसे आगे हम कल अगली क्लास में जो आगे की जानकारी है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जय